अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, औलाद अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। शादी के बाद लड़की की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि जल्दी से उसके आंगन में बेबी केले। मगर थोड़ा वक्त गुजारने के साथ साथ अगर औरत हमला नहीं होती तो दोनों मियाँ बीवी परेशान हो जाते हैं। हमल ना ठहरने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मसलन मर्द में स्पर्म की कमी होना, स्पर्म का पतला होना या औरत का बांझपन का शिकार होना। अगर मर्द जिंसी तौर पर फिट है, मर्दाना कमजोरी का कोई मसला नहीं और औरत भी बांझपन का शिकार नहीं, तो हमल के हुसूल के लिए एक टिप्स शेयर करेंगे जिस पर अमल करके औरत एक ही दिन में हमला हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। हर माँ औरत माहवारी का शिकार होती है, जिसे पीरियड्स भी कहा जाता है। जब औरत माहवारी के आयाम पूरे करने के बाद गुसल करें तो उसी रात हम बिस्तरी का अमल करें। हम बिस्तरी के अमल से पहले मर्द औरत दोनों टॉयलेट इस्तेमाल कर लें। हम बिस्तरी के अमल में जब मर्द फारिग हो जाए तो औरत अपनी टांगे 10 मिनट तक ऊपर की तरफ रखें। 10 मिनट के बाद दाएं जानिब करवट लेकर 1.5 से 2 घंटों तक लेटी रहें। उसके बाद अगर पेशाब की हाजत हो तो टॉयलेट इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में दूध, गोश्त और पिस्ता का इस्तेमाल बढ़ा दें। बहुत ज़्यादा गर्म अशिया इस्तेमाल ना करें, ताज़ा फल और सब्जियां इस्तेमाल करें। हम बिस्तरी का अमल हफ्ते में 2 से 3 मरतबा लाजमी करें। जब माहवारी की तारीख 3-4 दिन ऊपर हो जाए तो हम बिस्तरी का अमल रोक दें, खुद भी अमल करें और दूसरों के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।